हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू पोंचा डिजाइन लेके आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे आपको बना के दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने पट्टी बना के तैयार रखी है और दोनों तरफ लहरें डाल दी हैं। अब हमने इसमें 3-3 इंच का गैप रखा हुआ है। ये देखिए, 3 इंच का गैप हमने रखा हुआ है पट्टी में। अब ऊपर की ओर भी सबसे पहले फ्रेंड्स हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद हम 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद अब हम इसे ट्रायंगल शेप बनाएंगे। आप पैटरी की मदद से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे ही बना लेती हूँ। देखिए, पूरी पट्टी में हमने ट्रायंगल शेप दे देनी है। ये हमारे ट्रायंगल शेप बनके तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। अब हमने ट्रायंगल शेप के बीच में फ्लावर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम सेंटर में से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये इस तरह से। मैंने फ्रेंड्स पहले पेंसिल से इसे ड्रॉ कर लिया है ताकि सिलने में आसानी हो। इसी तरह आपने भी, अगर ये डिज़ाइन आपको भी अगर पसंद आ रहा हो, आप भी इसी तरह से बनाएं। पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद बनाएं। ये हमारी ड्राइंग पूरी हो चुकी। अब हमने इसमें सिलाई करनी है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक फ्लावर बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरा फ्लावर भी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल स्लो में दिखा रखा है ताकि आपको भी सीखने को मिले अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बिल्कुल स्लो में करके दिखा दिया है। अब इसी तरह से हम आगे के भी बना लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे फ्लावर्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब हमारे ऊपर वाली जो ट्रायंगल है उसमें भी हम भर देंगे, उसे भी उसमें हम सीधी सीधी लाइनिंग डालने वाले हैं इस तरह से। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी डिजाइन बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अगर आपको भी हमारा ये डिजाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।